अभी हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने, क्योंकि जो चूल है हमारा काफी बड़ा हो गया और मुंह पे आता है, और संडे को मेरा एक टूर्नामेंट भी है, तो काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, समझ रहे हो, इंग्लिश काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अभी चेंज करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि जो चूल है वो कपड़ों पे गिरता है, तो कोई सस्ती सी टी शर्ट पहन के जाएंगे जिसमें चूल गिरे भी तो उतना लगे, मतलब लगे ना, मतलब दिल में ना लगे। आई डोंट वांट एनी पार्ट। चूल कट चुका है और आपका अदनान भाई अब अदनान स्मार्ट बॉय हो गया है, और काफी लोग तो सैलून देख के जज कर रहे होंगे कैसा सैलून में चूल कटाता है तो भाई उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, द प्लेस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज द टैलेंट। ठीक है, तो याद रखना, और मुझे अभी होमवर्क बनाना है, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि आई विल ज्वाइन अ कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस, तो मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ, और मुझे ट्यूशन गए हुए 2 दिन भी हो गया है, और आज उसका होमवर्क मिला है, तो अभी करूँगा, और फिर आज भी ट्यूशन है 4:30 बजे, तो आज जाऊँगा। तो बस नहीं कहना था, और जो बोला हूँ उसको याद रखना। आई डोंट वांट एनी पार्ट ऑफ दिस। It's 6:30 और मैं अभी तुरंत ट्यूशन से आया हूँ, और मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, पर मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि एज यू ऑल नो कोविड काफ़ी बढ़ रहा है, तो 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है, और ऐसे भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी मतलब 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। मैं जा रहा हूँ, ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगा, खाऊँगा, और फिर कुछ सवाल आज भी मिले तो उससे आज लगाऊँगा, और मेरे ज़्यादातर दिन ऐसे ही होते हैं। I don't want any part of this.